वेलकम स्टूडेंट्स, नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियोस में अपना कॉचिंग एरियर और कॉचिंग एडवांस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन की बात करेंगे। एक क्वेश्चन मैं लगा के सॉल्व करा के आपको दिखाऊंगा। इसी वीडियो में हम लोगों ने कॉचिंग एरियर के बारे में, कॉचिंग एडवांस के बारे में और दोनों के इंटरेस्ट के बारे में बात की थी, उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को सीखा था। और मैंने आपसे बोला था, मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो और बना दूंगा, एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चंस लगवा दूंगा है, ताकि वो चीज़ थोड़ा सा आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन मैंने दिया है, वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। पहले आप उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, देन आफ्टर उसका सोल्यूशन मैं आपको करके बताऊंगा, तो आप उसको समझते जाइएगा। तो ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो आप वीडियो पॉज करके, होपफुली आपने वीडियो पॉज करके वो क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, और अब हम लोग आगे उसको कंटिन्यू करते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे लगेगा। आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ भी लिया होगा। हर क्वेश्चन को लगाने से पहले कोशिश क्या करिएगा आप लोग बेटा, कि एक समरी छोटी सी बना लीजिएगा जो क्वेश्चन को लगाने में आपको हेल्पफुल हो। मैंने एक समरी तैयार कर ली है, क्वेश्चन आपने पढ़ा है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसी कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किए हैं, जो कि 10 रुपए का एक शेयर है, और उसमें इस तरह से अमाउंट मांगा गया है। एप्लीकेशन 2.5 रुपए, अलॉटमेंट भी 2.5 रुपए, 2.5 2.5, एंड फर्स्ट कॉल 2 रुपीज एंड सेकेंड कॉल 3 रुपीज। अब मैंने आपको बताया था कि जिस क्वेश्चन में भी कॉल इन एरिया और कॉल इन एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट की बात होगी, वहां पर डेट्स जरूर दी होंगी। तो यहाँ पे भी इसीलिए देखिए, एप्लीकेशन की डेट दी है 1 मई, अलॉटमेंट की 1 जुलाई, और फर्स्ट कॉल की 1 अक्टूबर, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल की 1 फरवरी। ये डेट आपको दी गई है। और इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, और बताया गया है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर हैं, उसने कॉल इन एडवांस कर दिया है, फर्स्ट और सेकेंड कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया है। किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ। तो मैंने यहाँ पर अलॉटमेंट के साथ ही लिख दिया, 200 शेयर एडवांस मिला है। किस किस का? फर्स्ट कॉल का और सेकेंड कॉल का। ठीक, देन आगे और लिखा हुआ है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर हैं, उसने एरियर कर दिया है। ठीक, किस चीज का? सेकेंड कॉल का एरियर कर दिया है। तो इस क्वेश्चन में एरियर एडवांस दोनों आ गया। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के लिए कोई बात नहीं कही गई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये चीज भी बताई गई है कि कंपनी के जो आर्टिकल्स हैं उस पर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के लिए प्रोविजन किया गया है, और उसका परसेंटेज कितना है? 4% पर एनम। ठीक, ये हमारे क्वेश्चन की समरी होगी। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा जरा कि ये कैसे होगा। चलिए, पहली एंट्री, अब इसको मैं डेट के साथ करूंगा, तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट एंट्री में डेट पड़ जाएगी 1 मई, जो भी ईयर होगा वो ईयर पड़ जाएगा 2009, 10, 11, जो भी होगा 1 मई। पहली एंट्री आपकी बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक, 2.5 into 20,000 = 50,000. इसको भी ट्रांसफर कर दिया, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन ट्रांसफर। अब अलॉटमेंट 1 जुलाई को ड्यू हो रही है, 1 जुलाई अलॉटमेंट ड्यू हो रही है, तो यहां पर एंट्री हो गई आपकी, अलॉटमेंट को ड्यू किया हमने, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2.5 रुपए की अलॉटमेंट है 20,000 शेयर पे, 2.5 × 20,000 हो गया आपका ये 50,000। ठीक, फिर 1 जुलाई को एंट्री हो जाएगी। अब रिसीव करने की, देखिए नॉर्मल एंट्री रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, लेकिन यहां पर एडवांस भी मिल रहा है आपको। तुमने बताया था एडवांस, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें एडवांस के ट्रीटमेंट के बारे में, एडवांस मिलते समय क्रेडिट हो जाता है। ठीक, क्योंकि हमारा ये प्रॉफिट है, या
एक्चुअल लॉजिक, ये हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अमाउंट देगी कैसे फिल करेगी, यहां अलॉटमेंट डेबिट हुआ 50,000 से, यहां क्रेडिट भी 50,000 से ही होगा, ये हो गया। कॉल इन एडवांस में कितना अमाउंट आएगा, 200 शेयर हैं, उन्होंने किस किस का पैसा एडवांस में दिया है, फर्स्ट का और सेकंड का, तो फर्स्ट और सेकंड मिलके हो रहे हैं 2 और 3, मतलब 5 रुपीज, तो 5 रुपीज ये हो रहा है टोटल मिला के 5 रुपए, 5 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आ गया आपका 5 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई 200 शेयर्स पे, तो ये आ गया आपका यहाँ पर 1000 रुपीज। ठीक, अब इसमें आप थोड़ा सा अलग करके हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको भी क्लियर रहे एडजस्ट करते समय और हमको भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए इसमें फर्स्ट कॉल का कितना है और सेकंड कॉल का कितना है, इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये करना नहीं होता है क्वेश्चन में आपको, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जो फर्स्ट कॉल का पैसा है और जो सेकंड कॉल का पैसा है वो कितना कितना है। देखिए 200 शेयर है, फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की, तो 200 × 2 मतलब 400 है आपका फर्स्ट कॉल का पैसा, और 200 × 3 मतलब 600 है आपका ये सिक्स हंड्रेड ये आपका है सेकेंड कॉल का पैसा। ठीक, इस 1000 में 400 फर्स्ट कॉल का है और 600 सेकेंड कॉल का पैसा है। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब फर्स्ट कॉल को ड्यू कर लेते हैं 1 अक्टूबर में, 1 अक्टूबर ये आ गया फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, 20,000 शेयर पे ड्यू हुई, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 40,000। ठीक, ये हो गया। अब रिसीव करते हैं इसको 1 अक्टूबर को ही, 1 अक्टूबर इसको रिसीव करते हैं हम लोग, तो बैंक अकाउंट डेबिट लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट नॉर्मल एंट्री टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये नॉर्मल एंट्री, लेकिन फर्स्ट कॉल का एडवांस भी है इसलिए उसको यहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो जब मिला था तो उसको क्रेडिट किया था, अब जब एडजस्ट करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा, ये कॉल्स इन एडवांस यहां पर डेबिट हो गया, कॉल्स इन एडवांस डेबिट। अब अमाउंट देखिए कैसे फिल करेंगे, 40,000 से यहाँ डेबिट हुआ है, तो यहाँ पहले तो ये 40,000 से ही ये क्रेडिट हो गया आपका। ठीक, ओके, अब कॉल इन एडवांस में कितना जाएगा, इस 1000 में फर्स्ट कॉल का एडवांस कितना था 400, तो ये 400 यहाँ आ गया। अब बैंक में फिर कितना पैसा मिलेगा हमको, क्योंकि 40,000 मिलना था, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर थे मिस्टर ए, उन्होंने अलॉटमेंट के साथ ही हमको पैसा दे दिया था फर्स्ट और सेकेंड दोनों का, तो अब वो पैसा देंगे नहीं, मतलब 400 रुपए वो हमें नहीं देंगे, तो 40,000 में से, सॉरी 40,000 है ये, तो 40,000 में से 400 नहीं मिलेगा, तो आपको मिलेगा कितना 39,600, ये बैंक अकाउंट में चला गया। ठीक है, ये हो गई आपकी। सेकेंड कॉल ड्यू कर लेते हैं, शेयर सेकेंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हो गया 3 रुपए की है, 20,000 शेयर पे 20,000 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 60,000 से ड्यू हो गया, 60,000 ये हमने ड्यू कर दिया। ओके, देन अब इसको रिसीव करेंगे, रिसीव करने की नॉर्मल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो नॉर्मल एंट्री होती है आपको मालूम है। अब इसी कॉल में देखिए एरियर भी हुआ है, तो एरियर डेबिट होता है हमारा, कॉल्स इन एरियर डेबिट, क्योंकि लॉस होता है, या कहिए कि एक हमारी एसेट क्रिएट हो रही होती है। ठीक, ये लॉस हो गया, डेबिट हो गया, और एडवांस को भी एडजस्ट करना है क्योंकि सेकेंड कॉल का एडवांस है, तो एडवांस भी डेबिट हो जाएगा साथ में, कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट हो गया, यहाँ क्रेडिट हुआ था, ये एडवांस भी डेबिट हो गया। आप अमाउंट देखिए, यहाँ सेकेंड कॉल क्रेडिट हुआ है 60,000 से, तो पहले तो 60,000 से ही उसको क्रेडिट कर दीजिए, डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट कर दिया हमने यहाँ पर, अमाउंट
सेकेंड कॉल का एडवांस कितना है? सेकेंड कॉल का एडवांस 600 है, एडवांस में 600 लिख दीजिए आप। ठीक, एरियर अब देख लीजिए आप, एरियर हुआ 100 शेयर पर, तो 100 शेयर पे हो गया 100 इंटू 3 हो गया आपका 300, तो 300 ये आपका एरियर हो गया आपका। मतलब 60,000 में से 900 रुपए नहीं मिलेंगे, 600 रुपए एडवांस की वजह से नहीं मिलेंगे एंड 300 रुपीज एरियर की वजह से नहीं मिलेंगे, तो 900 रुपीज आपको नहीं मिलेंगे सेकेंड कॉल पर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर। ठीक है, मैंने यहाँ फाइनल कॉल नहीं लिखा है, आप जब भी फाइनल कॉल ड्यू करिए तो उसके साथ फाइनल कॉल वर्ड जरूर लगाइएगा, तो टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो अब रिसीव कितना होगा, 60,000 में से 900 हट जाएंगे तो होगा 59,100, ये आपको रिसीव हो गया। ओके, अभी आपकी ये एंट्रीज हो गई, हमने सेकेंड कॉल में डेट डालना भूल गए, यहाँ पर 1 फरवरी की डेट ये भी है और 1 फरवरी की ही डेट ये भी आएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये डेट्स के सारे अंडरलाइन कर देता हूँ, ये डेट्स हो गई आपकी, ये सारी एंट्रीज हो गई। अब हमको इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस की एंट्री करनी है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस की एंट्री आपको मालूम है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस कंपनी के लिए क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है। कॉल्स एंड एडवांस के ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसलिए कंपनी का एक्सपेंस है। तो पहले तो एंट्री हम पास कर लेते हैं, फिर अमाउंट निकालना बता रहे हैं। तो एंट्री हो गई आपकी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, जगह कम है इसलिए मैं सिर्फ एडवांस लिख रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन एडवांस डेबिट टू सन्ड्री मेंबर। ठीक, ये एंट्री हो गई पहली, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अब पेमेंट करेंगे सन्ड्री मेंबर डेबिट टू बैंक, ये पेमेंट हो जाएगी एंट्री। ठीक, एक एंट्री और होती है, लास्ट में मैं बताई थी आपको कि सारे एक्सपेंस और इनकम जो होते हैं वो पीएल में ट्रांसफर होंगे, तो ये भी आपने बताया एक्सपेंस है तो पीएल के डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा, एंट्री क्या बन जाएगी, पीएलएस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस, पीएलएस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस। अमाउंट तीनों में सेम अमाउंट होगा, लेकिन वो अमाउंट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट लगा। अच्छा, इसकी डेट देख लीजिए, क्वेश्चन में दी गई है कि कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस में जो पेमेंट किया है वो 1 फरवरी को किया है, तो इन दोनों के ऊपर तो 1 फरवरी डेट पड़ेगी ड्यू और पेमेंट की एंट्री पर, नेक्स्ट ईयर की 1 फरवरी, इस पे पड़ेगी 31 मार्च, क्योंकि जो बुक्स क्लोज होती है वो 31 मार्च को क्लोज होती है, तो पीएलएस वाली एंट्री है उस पर 31 मार्च पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च चलता है, तो इस पे 31 मार्च। अच्छा, अब हम लोगों इसको कैलकुलेट करने की एंट्रियां तो कर ली हैं, अब इसको कैलकुलेट करना देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए, फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है, फर्स्ट कॉल का अमाउंट है आपका 200 शेयर्स पे 2 रुपीस के हिसाब से 400। सेकेंड कॉल का अमाउंट देख लीजिए, सेकेंड कॉल का अमाउंट 200 शेयर्स के हिसाब से 3 रुपए के हिसाब से 600, या आप यहां भी देख सकते हैं, यहां भी आपने अलग कर रखा था कि फर्स्ट कॉल का एडवांस 400 रुपए है, सेकंड कॉल का एडवांस 600 रुपए है, वो आपने लिख लिया। रेट क्या बताया गया है, 4% इंटू 4/100 इंटू 4/100 फर्स्ट परसेंट, 4% लगा दिया आपने। अब टाइम ड्यूरेशन के लिए देख लेते हैं, देखिए फर्स्ट कॉल का पैसा आपको एडवांस में जो मिला कहां पर मिला, ध्यान दीजिएगा इस पर, कहां पे मिला है, जुलाई में। एक्चुअल में मिलना कब चाहिए था, वो अक्टूबर में, फर्स्ट कॉल के टाइम एक्चुअल में कंपनी द्वारा डिसाइडेड क्या है, 1 अक्टूबर, लेकिन एडवांस जिसने दिया उसने कब दे दिया, जुलाई में। तो जुलाई से अक्टूबर जो चीज अक्टूबर में मिलनी चाहिए थी वो जुलाई में मिल गई, कितने मंथ पहले मिल गई, देखिए पूरी पूरी जुलाई अगस्त पूरा सेप्टेम्बर, जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर, अक्टूबर नहीं लेंगे क्योंकि अक्टूबर 1 है, तो हो गया जुलाई अगस्त और सेप्टेम्बर, तो 3 मंथ बाई 12 इसे लगाया क्योंकि साल भर में 12 महीने होते हैं, और ये जो रेट दिया है पर एनम साल भर का दिया गया है टाइम ड्यूरेशन के लिए। फिर से देख लीजिए आप, जुलाई में मिल गया है और मिलना चाहिए था अक्टूबर में, तो जुलाई से अक्टूबर, जुलाई
अगस्त सितंबर, अक्टूबर क्यों नहीं ले रहे हैं क्योंकि फर्स्ट अक्टूबर है, ठीक। तो ये आ गया 4 मंथ। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट का देख लेते हैं टाइम ड्यूरेशन क्या हो रहा है। देखिए जुलाई में मिल गया, ये भी आपको सेकंड क्वार्टर में मिलना चाहिए था फरवरी में। तो जुलाई से फरवरी जाते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ठीक 7 मंथ। फरवरी नहीं लेंगे क्योंकि फर्स्ट फरवरी, फिर से काउंट कर रहे हैं जुलाई पूरी, एक जुलाई से शुरू से जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी 7 मंथ। ये आ गया आपका 7/12। अब इसको जो है सॉल्व कर देते हैं यहाँ जल्दी से, ये कट गया, ये कट गया, 4 3 3 से 3 ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 रुपीज। सॉरी स्टूडेंट्स, एक्चुअली बीच में लाइट चली गई थी तो थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्ब हो गया। चलिए मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये फर्स्ट कॉल के ऊपर हमने इंटरेस्ट कर लिया था, सेकंड कॉल के ऊपर निकाल रहा था, और इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। ये कट गया, ये कट गया, और 4 3 जा और 3 2 जा ये कट के आ गया 14 रुपीज। मतलब टोटल इंटरेस्ट आपका आ गया 18 रुपीज। बस अब हर जगह 18 18 18 18 18 और 18 ये आपने अमाउंट डाल दिया, हो गया बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट पे, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर। फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। 400 रुपए देखिए फर्स्ट कॉल का है, सेकंड कॉल का 600 रुपए है, 4% दोनों पे लगना है, 4/100 4/100 3 मंथ्स का इस पे लगना है, तो इस पे 3/12, इस पे 7 मंथ का लगना है इसलिए 7/12। 3 मंथ और 7 मंथ कैसे आए देख लीजिए। अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया था, तो अलॉटमेंट जुलाई में मिली है और मिलनी चाहिए थी फर्स्ट कॉल का पैसा अक्टूबर में, तो जुलाई से अक्टूबर काउंट कर लेंगे तो 3 मंथ आएगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नहीं क्योंकि 1 अक्टूबर है। फिर इसी तरह सेकंड कॉल मिलनी चाहिए थी फर्स्ट फरवरी को, लेकिन मिल गई है जुलाई में ही, जुलाई से फरवरी तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, फरवरी नहीं क्योंकि फर्स्ट फरवरी है, ठीक। अगर फरवरी लास्ट डेट होती तो पूरी फरवरी भी ले लेते, तो 7 मंथ, इसलिए यहां पर 7 3/12 12 मतलब जितना एक साल में मंथ होते हैं वो 3/12 एंड 7/12 कैलकुलेट कर दिया। टोटल इंटरेस्ट फर्स्ट कॉल का आया 4 रुपए, सेकेंड कॉल का आया 14 रुपीज 14 रुपए, दोनों का टोटल मिला के 18 रुपए, ये एंट्री हमने पास कर दी। दैट्स ऑल, ये आपका क्वेश्चन हो गया, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो मुझे, अगर आपको लगता है कि मैंने अपनी बात आप तक कन्वे कर दी, तो जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट जरूर करें, मैं बार बार आपसे बोलता हूँ ताकि हमको अपने वीडियो को इम्प्रूव करने में हेल्प मिले। ओके, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू। I'm gonna go to the bathroom.